कि जहन्नम में सख्त सर्दी का, का अजाब होगा सख्त सर्दी का अजाब होगा सर्दी जहाँ पर अल्लाह ताला अल्ला की नेमत तो है वहीं पर अल्लाह तबारा की तरफ से अजाब भी है गर्मी अल्लाह ताला की नेमत भी है और अल्लाह ताला का अजाब भी है अगर गर्मी एक लिमिट में हो तो इसका फ़ायदा है सर्दी एक लिमिट में हो तो ये अल्लाह ताला की नेमत है मगर जब सर्दी सख्त हो जाए और हद से तजावज़ कर जाए तो इंसान के लिए अजाब बन जाता है सर्दी के महीने में हिंदुस्तान के बहुत सारी रियासतों के बारे में हम सुनते हैं कितने हमारे भाई सर्दी से मर जाया करते हैं और कितनी तकलीफ़ में मुतला रहते हैं तो कितनी सख्त सर्दी होती है तो ऐसे ही जहन्नमियों को सख्त सर्दी का भी अजाब दिया जाएगा उधर आग और आग की तपिश आग की शिद्दत आग की गर्मी और इधर सख्त सर्दी तो सख्त गर्मी सख्त शिद्दत आग की तपेश और शिद्दत और इधर सख्त गर्मी अल्लाह इज़्ज़त उनको सख्त सर्दी का भी अजाब देगा अल्लाह चल्ला इज़्ज़त ने फरमाया जन्नतियों के बारे में फवाका हम अल्लाह शर्रदा कल्योम वल्क़ा हम नदरत व सरूरा व जज़ा हम बे जन्नत व हरिररा कि अल्लाह तला जन्नति को उस दिन के अजाब और तकलीफ़ और परेशानियाँ और सजाओं से बचा लेगा और के चेहरों को तरोताज़ा कर देगा इनाम और इक्राम से नवाजेगा और ख़ुश कर देगा और अल्लाह त जन्नत देगा और रेशम देगा और वो तख्तों पर टेक लगाए हुए बैठे होंगे और उस जन्नत में ना तो उन्हें धूप लगेगी ना तो गर्मी की शिद्दत महसूस होगी ना तो धूप की तपिश महसूस होगी और ना तो सख्त ठंडक लगेगी तो ये जहन्नम के इस अजाब से महफूज होंगे जन्ती गोया कि जहन्नम के लोग इसमें जहतुल्ला किए जाएंगे सूर दहर या नंबर ग्यारह बारह और तेरह है जमहरीर के बारे में मुफसरीन ये लिखते हैं कि जहन्नम का एक तबका है जिसमें अहले जहन्नम को सर्दी का अजाब दिया जाएगा तो नाजरीन ने कह ये भी अजाब की एक शक्ल है कि इन्हें सख्त सर्दी का अजाब दिया जाएगा ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें